अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम आपके लिए इतना अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं, और हमारे चैनल पे कोई भी आपको कोई भी वीडियोज़ आप देखेंगे तो सभी वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। सारे सारे वीडियो में आपको जानकारी ही दिया गया, कोई यहाँ पे टाइम पास वाली वीडियोज़ नहीं मिलेगी। और सारी वीडियो जेन्युइन ओरिजिनल और आपको नेचुरल दिखेगा, और वो भी प्रूफ के साथ में दोस्तों, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके सही जानकारी लेके आते हैं ढूंढ करके, ताकि आपके आपको बेनिफिट हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, कोटक महिंद्रा बैंक से यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या पर्सनल लोन अप्लाई करने की वेबसाइट क्या है, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो हम आपको उसके बारे पर्सनल कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, के पर्सनल लोन के बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे। ओके दोस्तों, तो चलो, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये है कोटक महिंद्रा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सप्लोर प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सप्लोर प्रोडक्ट। एक्सप्लोर प्रोडक्ट में जाएंगे, जाने के बाद आपको जाना है लोन्स में। लोन्स में जाने के बाद आपको जाना है पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। यदि आपको आपके पास कोटक महिंद्रा का अकाउंट भी है तो आपको ये लोग प्री अप्रूव्ड ऑफ़र भी देता है, तो आपको मोबाइल ऐप में या नेट बैंकिंग में भी चेक करके आप पर्सनल लोन के लिए यदि ऑफ़र होगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, अकाउंट में सेकेंड में ही डिस्पर्स भी हो जाता है। ये देखिए, पर्सनल लोन का ये खुल चुका है पेज, और यहाँ पे पूरा फीचर दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दिया हुआ, फ़ी चार्जेज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, किसी कोई भी काम के लिए ले सकते हैं, चाहे आपको घर को रेनोवेट कराना हो, शादी या फैमिली में कोई भी ज़रूरत हो, मेडिकल का कोई एक्सपेंसेस हो, उसके लिए आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये फीचर हो गया। ईएमआई भी कैलकुलेटर यहाँ पे दिया हुआ है, आप कितना अमाउंट लेंगे उसके लिए कितना ईएमआई बनेगा, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये मैक्सिमम आपको 15 लाख तक देगा, और 50 मिनिमम 50 हज़ार है, 50 हज़ार से लेके 15 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। सपोज करो आपको चाहिए 5 लाख रुपया, ठीक है, 5 लाख रुपया, और आई एम लुकिंग फॉर इंटरेस्ट, और कितना इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, एवरेज रख के चलना, जो आप ये 16% 17% रख के चलो, आप 17% पे लेंगे, और कितने कितने महीने के लिए लेंगे, कितने साल के लिए लेंगे, आप लेंगे 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए लेंगे, तो आपको मंथली ईएमआई पड़ेगा 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्ड अनुसार 18,005 रुपया, ठीक है। यदि आप इसको इंक्रीज करेंगे 4 साल के लेंगे के लिए लेंगे तो 14,500 के आसपास पड़ेगा, और 5 साढ़े 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको पड़ेगा 12,551 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना भी इसका ईएमआई कैलकुलेटर से। ओके, अच्छा चलिए, इसके बाद एलिजिबिलिटी देखिए इसका क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोटक महिंद्रा बैंक भी टॉप इंडिया के टॉप 5 बैंकों में से एक है, प्राइवेट बैंकों में से, बहुत अच्छी सर्विस भी है इनका, ठीक है। तो आप इसका देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, ये ओपन हो रहा है अभी, पूरा ओपन नहीं हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यार इसका कहाँ है, पेज भी यार धीरे धीरे ओपन हो रहा है, ज़रा इसको चेक करें। ठीक है, ये है, ये ओपन हो गया, ये पेज देखिए, ये पेज ओपन हो चुका है। देखो यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, जो पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई भी आप गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई, प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, या लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी एज होनी चाहिए आपकी 21 साल से 58 साल के बीच में, तब आपको मिलेगा। और फ्लोइंग आर द क्राइटेरिया, देखिए आपकी नेट सैलरी होनी चाहिए 20,000 रुपया पर मंथ मिनिमम, ओके, और मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, ओके, और रेजिडेंट होना चाहिए, जहाँ भी आप रह रहे हैं उस जगह पे आपको 1 ईयर मिनिमम एक जगह पे रहते हुए होना चाहिए, और मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है पर्सनल लोन के लिए,
यदि आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है या फिर आपका सेविंग अकाउंट है, तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र भी आ जाएगा और आपको सेकंड में ही आपके अकाउंट में लोन क्रेडिट हो जाएगा। उस केस में जब प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आता है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए, डायरेक्ट आपको अपना डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके लिए, ये देखिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट का, और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे आपको आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, ठीक है, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। इन सब के लिए आपको उनका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, और इंटरेस्ट रेट भी आपको क्या रहेगा वो भी दिया हुआ है। ईएमआई के लिए भी मैंने बता दिया, ये ईएमआई कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या, हाउ कैन आई गेट पर्सनल लोन इन 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में ही आपके खाते में लोन आ जाएगा, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज चेक एलिजिबिलिटी फॉर पर्सनल लोन। आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करना है पर्सनल लोन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी, ज़रा हम चेक करें यहाँ पे, इस पर क्लिक करके क्या आ रहा है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपको चेक करना है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखिए, आपको अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, वही मैंने बताया आपको। ये 3 सेकेंड वाला ऑफ़र तब आया मिलेगा जब आपका कोटक महिंद्रा बैंक में सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट होगा, तो आपको उस केस में 3 सेकेंड वाला ऑफ़र मिल जाएगा और 3 सेकेंड में ही आपके खाते में आ जाएगा। यदि नॉर्मल तरीके से करेंगे तो नॉर्मल में ये सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यदि आप अप्लाई करने का ऑप्शन कहीं आ रहा है, इधर हम लोग वो देखते हैं, फीस चार्जेज यहाँ पे है और ये ओपन हो रहा है, फीस और चार्जेज आपको दिखा देते हैं, फीस और चार्जेज कितना लग सकता है आपको। ये आ गया फीस चार्जेज, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। दूसरा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी हम आपको बता देते हैं पर्सनल लोन के लिए। ये देखिए डॉक्यूमेंट, यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ हो गया, 3 मंथ का इनकम डिटेल चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, सैलरी स्लिप 3 मंथ का, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, ओके। यही रिक्वायरमेंट है जो सभी जगह रिक्वायर्ड होता है। और टॉप अप भी ले सकते हैं आप, टॉप अप लोन ले सकते हैं यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो। अच्छा, अब इसको अप्लाई करने का देखें, कहीं अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई प्रोसीजर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वेडिंग सिक्योर नाउ प्लान नाउ, ये देखिए यहाँ पे सपोज करो हम लेते हैं ड्रीम वेकेशन के लिए लोन, पर्सनल लोन, यहाँ पे कोई ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है यार। ठीक है, यदि आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, और इसके लिए आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लोकेट नाउ। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इनको, और यदि आपको पर्सनल लोन चाहिए तो, और या इसको मेल कर सकते हैं या ब्रांच में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए दोस्तों। या यदि आपके पास अकाउंट है कोटक महिंद्रा में तो आप लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। वहाँ से आप जब लॉगिन करेंगे अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में या मोबाइल ऐप में तो वहाँ पे शो कर जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपने देख लिया कोटक महिंद्रा बैंक का पर्सनल लोन के लिए किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, क्या क्या फीचर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या
प्रोसीजर है, कितना चार्जेज रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है दोस्तों, आप इसको वेडिंग के लिए ले सकते हैं, शादी ब्याह है तो उसके लिए ले सकते हैं, कहीं छुट्टी पे जाना है ट्रैवल के लिए उसके लिए ले सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए ले सकते हैं, होम रिनोवेशन के लिए ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, कुछ पूछना हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर लो जिसको भी लोन चाहिए। थैंक यू।